ये देखिए जीरा और साबुत धनिया और दो लाल मिर्ची सूखी वाली डालें, देखा दो चम्मच सौंफ डालेंगे, इसको थोड़ा भून लेंगे, ज़्यादा लाल भी नहीं करेंगे। काली मिर्ची डाली हमने 10-12, ये सौंफ और धनिया, काली मिर्च, जीरा, इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे इसमें, जब तक कि खुशबू ना आ जाए। खुशबू आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया, ये देखिए, अब इसको ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। अच्छी तरह से हमारे साबुत धनिया सौंफ वगैरह था, अच्छे से भून लिया मैंने इसको। हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करके मिक्सी के जार में डालेंगे और पीस देंगे। ये हमने एक प्लेट में निकाल लिया इसको हमने, अब इसको ठंडा करेंगे। ये मैंने मिक्सी के जार में डाल दिया और इसको हम पीसेंगे। ये हमने इसका पाउडर बना लिया है, ये देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं किया महीन, थोड़ा दरदरा इसको हमने पीसा है। इस तरह से इसको चार पीस में काट लिया प्याज को, फिर इसका एक एक पीस इस तरह से निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकाला जा रहा, इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए ना ना को आटा मार दे, ये टमाटर को इस तरह से काटेंगे ताकि इसके बीज हैं वो ज्यादा तक नहीं आए। इसे पीस काट लेंगे इसमें से। देखिए शिमला मिर्च भी हम इस तरह से काट लेंगे, इसके भी बीज निकाल देंगे अंदर के। ये देखिए इसके भी पीस काटेंगे शिमला मिर्ची के। ये देखिए प्याज के पीस काट लिए, टमाटर के काट लिए, शिमला मिर्च के भी काट रहे इस तरह से। अब आप ही लोग बताओ अभी क्या बनाएंगे, लास्ट में बताएंगे हम क्या बनाएंगे। इस तरह से पनीर के पीस बनाएंगे, ये देखिए। एक बार फिर ट्रायंगल शेप में काटना है। पनीर के ये सारे पीसेस इस तरह से काट लेंगे, इस तरह से एक जैसे काटते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। ये देखिए सारे पनीर के पीसेस काट लिए हमने। ये देखिए हमने सब कुछ काट के रख लिया है, ये है प्याज, ये है शिमला मिर्च, ये प्याज बारीक काट लिया, ये टमाटर बारीक काट लिया, ये पनीर काट लिया और ये टमाटर के भी पीस काटे जैसे शिमला मिर्च और प्याज के काटे इस तरह से। मैंने कढ़ाई रख ली और इसमें डाला मैंने घी, ये है असली घी, घर पे बनाते हैं मलाई निकाल निकाल के रोज इकट्ठी करते हैं उसका घी बनाते हैं, कोई मिलावटी वाला कोई चक्कर नहीं इसमें। जीरा एक चम्मच डालेंगे हम, देखिए जीरा चटकने लगा, इसके बाद डालेंगे हम प्याज, फिर ये देखिए प्याज भी डाल दिया हमने।
ये है लहसुन और ये है अदरक। इसको मैंने कर लिया कद्दूकस और इसको भी प्याज के साथ डालेंगे। अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे और अदरक भी डाल देंगे। इसको भी भूनेंगे अच्छे से। हल्दी पाउडर डालेंगे अभी, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर। ये जो मैंने अभी बनाया था साबुत धनिया, सौंफ, जीरा, लाल मिर्च, वो मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। 3 चम्मच डाला हुआ है मैंने मसाला। हरी मिर्च डालेंगे अभी थोड़ा। इसमें हमने गर्म पानी डाला हुआ है। अब मैंने जो टमाटर काट के रखे थे बारीक, ये इसमें डाल देंगे हम इस तरह से। नमक डाल देंगे टमाटर के साथ ताकि जल्दी टमाटर गल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसको मेथड से कर देंगे ताकि ये अच्छे से टमाटर हमारे गल जाए सारे। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम पानी, गर्म पानी डाला हमने। 20-25 मिनट तक इसको भूनेंगे जब तक इसके अंदर से घी ना निकल आए। ऊपर घी दिखाई देगा, उसके बाद समझ लो आपका मसाला भून के तैयार हो गया। ये अदरक इस तरह से इसके लंबे लंबे से ऐसे लंबे लंबे से लच्छा काटेंगे। ये देखिए इस तरह से लंबी लंबी अदरक काट ली हमने। 1 चम्मच घी डालेंगे। हमने शिमला में टमाटर जो काट के रखा था उस सबसे इसमें डाल दिया। ये हमारे पनीर बचा हुआ था इसको भी मैंने डाल दिया इसमें। प्याज शिमला मिर्च ये धनिया का फ्राई, उसके बाद पनीर को भी डाल दिया। चम्मच मसाला जो मैंने पीसा था बचा के रखा था 1 चम्मच, वो इसके ऊपर डाल दिया मैंने। नमक डालेंगे और इसको इस तरह से मिक्स कर देंगे। 4-5 मिनट के लिए इसको मैंने इस तरह से फ्राई किया। ये जो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी ये वाली, ये इसके मसाले सारे ऊपर डाल देंगे। सब्जी को देखिए सारा ग्रेवी इसके ऊपर। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये जो क्रीम हमारे घर में मलाई आती है ना, दूध की मलाई निकलती है, इसको हमने इस तरह से फेंट लिया। ये फ्रेश क्रीम है जो मैंने अभी घर पर बनाई हुई है। देखिए इसको भी मिक्स कर देंगे साथ में। कसूरी मेथी डालेंगे। अदरक के जो हमने पीस काट के रखे इसको भी डाल दिया ऊपर से। ये हरा धनिया डाल दिया हमने ऊपर से। हमारी सब्जी बनकर हो गई तैयार। ये क्या है, कढ़ाई पनीर। ये देखिए कढ़ाई पनीर बना हुआ है। एक बार ज़रूर आप लोग इस तरह से बनाइएगा और अपने घर में खिलाइएगा बच्चों को और बड़ों को, तो यही बोलेंगे मम्मी हफ्ते में 2 बार तो ये बनाओ ही बनाओ। घर में टाइम बहुत लगता है लेकिन। बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।